हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज आईपीएल का क्वालिफायर वन था दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच। तो इस मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है, तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में किसको क्या मिलता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप लोग धोनी के फैन हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पहला आता है मैन ऑफ द मैच। जो इस मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ वह है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने इस मैच में 50 गेंदों में 70 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्के की मदद से उनको प्राइज के थ्रू 5 लाख रुपये और एक मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी दिया गया। तो अगले अवार्ड आता है ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच। जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कमाए ड्रीम इलेवन में, वो थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 101 फैंटेसी पॉइंट कमाए, उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक ड्रीम इलेवन की ट्रॉफी दिया गया। तो अगले अवार्ड जो आता है अन अकेडमी लेस क्रैकिंग सिक्सेस ऑफ द मैच। जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए वो थे दिल्ली कैपिटल के पृथ्वी शॉ, जिन्होंने 60 रन बनाए 3 छक्कों के मदद से, उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दिया अन अकेडमी का। तो अगले अवार्ड जो आता है सबरी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द डे। जिन्होंने कम गेंदे खेलकर ज़्यादा रन बनाए वो थे पृथ्वी शॉ, जिन्होंने 36 गेंद खेलकर 60 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट था 177 के करीब, उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड जो आता है क्रेट पावर प्लेयर ऑफ द डे। जिन्होंने पावर प्ले में कम गेंदे खेलकर ज़्यादा रन बनाए वो थे रॉबिन उत्तपा, जिन्होंने 24 गेंदों में 40 रन बनाए, उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक क्रेडिट की ट्रॉफी दिया गया। तो अगले अवार्ड जो आते हैं विवो परफेक्ट कैच ऑफ द डे। जिन्होंने इस मैच में सबसे अच्छा कैच लिया वो थे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने रॉबिन उत्तपा का कैच बाउंड्री लाइन पर लिया, उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक विवो मोबाइल दिया गया। तो आखिर में जो अवार्ड आता है अपस्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द डे। जिन्होंने अपस्टॉक में सबसे ज़्यादा पॉइंट कमाए वो थे दिल्ली कैपिटल के पृथ्वी शॉ, जिन्होंने इस मैच में 60 रन बनाए 28 ऑफ स्टॉक में पॉइंट कमाए, उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये ऑफ स्टॉक की ट्रॉफी दिया गया। तो दोस्तों, इस क्वालिफायर वन को चेन्नई सुपर किंग ने जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। 2021 का आईपीएल ट्रॉफी कौन जीतेगा।